वेलकम बैक टू द फैल्कन राइडर्स यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है वो है मोटो व्लॉगिंग के सेटअप के ऊपर। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, अपना जो मेरा हेलमेट है उसमें मैं अपना जो लेपल माइक है वो कहाँ पे लगाता हूँ, पहले कहाँ लगाता था, पुराने जो मेरे लेपल माइक्स यूज़ करे उनमें क्या दिक्कतें आ गई, अब मैंने नए कौन से खरीदे नए लेपल माइक्स और उनको कहाँ पे अब मैं प्लेस करूँ, आप कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं अपने लेपल माइक को जिससे कि आपको सबसे अच्छी से अच्छी साउंड मिले सस्ते से सस्ते लेपल माइक से भी। सो यहाँ पे मेरे पास एक लेपल माइक है जो ऑलमोस्ट 4,500 का है और एक लेपल माइक है जो ऑलमोस्ट 200 रुपए का भी है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, सो कहीं जाइए मत। मोटो व्लॉगिंग सबका मन करता है, सबका मन करता है, जो भी बाइक पे जाता है मेरे को ऐसा लगता है वो करता है नहीं करता इज़ अ डिफरेंट थिंग, पर कहीं ना कहीं उसके डीप डाउन द दिल में ये रहता है कि यार मेरे को मोटो व्लॉगिंग करनी है या अपने पे एक एक्शन कैमरा लगा के रिकॉर्ड करना है। कुछ कुछ लोगों को होता है कि सिर्फ रिकॉर्ड करना है, कुछ कुछ लोगों को होता है कि रिकॉर्ड करके मेरे को बोलना भी है, बातें भी करनी है, भले ही अपने लिए करना है, मेरे को कोई यूट्यूब चैनल नहीं चालू करना, वो सोचते हैं, पर कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हाँ यार मेरे को भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, सो ये होता है, इट्स नॉर्मल, इट्स नथिंग, मतलब इसमें कोई मतलब गलत सही नहीं है, मतलब हर किसी का मन करता है, क्यों नहीं करे, जब आप ऐसी ऐसी जगह जाते हो तो आपका मन करता है कि मैं रिकॉर्ड करूँ, बातें करूँ, ऊपर से आप देखते हो कि इतने सारे यूट्यूब चैनल सब आ रहे हैं, लोग बना रहे हैं और बहुत से लोग अच्छा भी कर रहे हैं, तो सबको लगता है कि मेरे को भी करना चाहिए, तो इसमें कोई हार्म नहीं है, इस पर्सनल चॉइसेस। बस इस टॉपिक में बस ये कहूँगा कि ये रास्ते आसान नहीं हैं, बड़े मुश्किल हैं, लगते आसान हैं, सो एनीवे स्टार्ट करेंगे, अपने आप आपको पता चल जाएगा। मैंने जब राइड स्टार्ट करी थी मेरे को तो पता भी नहीं था ये सब मोटो व्लॉगिंग नाम की कोई चीज़ भी होती है, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को मोटो व्लॉग मैंने वर्ड ही नहीं सुना था और मेरे को ऐसा भी नहीं पता था कि ये सब चीज़ें होती भी हैं। अपना तो सिर्फ एक ही मन था उस टाइम पे, बस घूमना है घूमना है घूमना है घूमना है, फोटो वोटो खींचते थे, ऐसी बात नहीं है, और उस टाइम के जो कैमरे होते थे उसमें वो मतलब VGA कैमरा होता था तो कुछ तो रिकॉर्ड कर लेते थे अपना, सो हाँ ट्रैप पर कुछ पता नहीं था। और जब पता चला कि हाँ ऐसा भी होता है, तब हम इंटरनेट से इतना दूर रहते थे, हम बाहर ही रहते थे, तो इस वजह से कभी हम स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें मैंने सोची नहीं थी, पर कोई बात नहीं, अब करते हैं, क्या हो गया। सो एनीवे अब आते हैं मुद्दे पे, और मुद्दा यह है कि मोटो व्लॉगिंग। सो मोटो व्लॉगिंग में आप ये समझ लो कि जब आप वीडियो के साथ जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हो अपने बोलते हुए, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक होता है रियल टाइम पे जब आप घूम रहे हो, जिस टाइम पे आप शूट कर रहे हो वीडियो को, उसी टाइम अपने माइक के थ्रू आप रिकॉर्ड कर रहे हो। और दूसरा हो सकता है कि जैसे आपने रिकॉर्ड कर लिया सब जगह जाके और ऑडियो आपने उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं करा, वो आपने घर आके जब आप एडिट की मशीन पे बैठे या अपना एडिट करने लगे उस टाइम पे आपने घर पे ऑडियो रिकॉर्ड करा उस वीडियो को देखते देखते और वो उसके ऊपर डाल के आपने वीडियो बना लिया, जो मैंने एक आधे वीडियो में पहले किया है क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया था जैसे मैंने आपको बताया था। पर्सनल चॉइसेस हैं, कुछ लोगों को आसान लगता है ये वाला पार्ट कि हम घर आके आराम से ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा मन करेगा, कुछ लोगों को वैसा आसान लगता है, कुछ लोगों को आसान लगता है कि जब मतलब आसान नहीं मतलब उनको लगता है कि वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, वो ज़्यादा रियल है जब आप कर रहे हो उसी टाइम अगर आप बोलो, पर्सनल चॉइसेस हैं ये, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अपना स्टाइल तो भैया रियल टाइम है, जब तक आप लोगों के साथ कनेक्शन नहीं होता तब तक तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तभी आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे जो मेरे ट्रैवल व्लॉग्स हैं जब मैं उधर से जाता हूँ, याद है आपको अगर वो वीडियो देखा हो आपने मेरा, एक रोहतांग पे जब रात को इतनी ठंड हो रही थी और बिल्कुल मैं अकेला था और मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी कैमरा की, और फिर मैंने वो रुका स्पेशली सारा सामान निकाला बैटरी चेंज करी क्योंकि मैं आपको बोला कि यार कनेक्शन ख़त्म हो गया आपसे, अब क्या मज़ा है, तो फिर मैंने वो इतनी ठंड में सब कुछ जब बिल्कुल कुछ मन नहीं कर रहा था ना तब भी मैंने करा क्योंकि वो कनेक्शन चाहिए। ऐसे ही एक मेरे को याद है जब मैं कोलकाता की राइड पे था, राइड टू बी जो यूनाइटेड थी उसमें जब मैं झारखंड क्रॉस कर रहा था रात को, जो थोड़ा सा स्केरी हो गया था वहाँ पे सब कुछ, फिर भी बैटरी ख़त्म हो गई थी, फिर भी मैं रुका वहाँ रात को अंधेरे में, और ये वीडियो में भी है, फिर मैंने वो बैटरी बदली कि जिससे कि कनेक्शन अपना चलता रहे। सो अपना स्टाइल वो है, बाकी सबका अपना अपना स्टाइल होता है। अब आ जाती है ऑडियो की क्वालिटी की। सो देखो ऑडियो क्वालिटी मेरे को ऐसा लगता है कि माइक मैंने क्या है कि जैसे ये रोड का माइक है, ये वाला जो माइक है लेपल माइक ये रोड का, सो ये करीबन आपको 4,500 का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाया था रोड का और ये स्पाइक आर्ट का लेपल माइक था, जो मैंने इसका एक वीडियो बनाया था इन दोनों का ऑडियो क्वालिटी के ऊपर, आप वो देख सकते हैं, और उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में दोनों का कंपैरिजन किया था। सो उस वीडियो के बाद से ये स्पाइक आर्ट वाला जो ये मेरा ख़राब हो गया, बस डेड हो गया, काम करना इसने बंद कर दिया समाओ। और जो मेरा रोड वाला है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें ना एक नॉइस की आवाज़ आने लगी है, मतलब एक हल्की सी नॉइस की ना आवाज़ रहती है जैसे ही मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उसको मैंने पोस्ट में एडिट में निकालने की कोशिश करता हूँ पर फिर वो बात नहीं आती, मज़ा नहीं आता।
इस वजह से फिर मैंने अभी दो नए माइक खरीदे, जिसका मैंने लास्ट जो ये वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक लेपल माइक यूज़ करा था, जिसमें मैंने आपको एक लेपल माइक के बारे में बताया था कि जिसने अच्छा सा काम नहीं करा, जो आपका TRS था। अब ये TRS याद है आपको, मैंने बताया था। तो ये होता है TRS, इसमें देख रहे हो दो पिन है, इसको फोकस कर, हाँ ठीक है। और ये होता है TRS, इन दोनों में आप अंतर देख रहे हो, अगर ये इसको, एक में दो पिन है, एक में ये तीन है बेसिकली। सो जो आपका एक्शन कैमरा होता है या जो आपका मोबाइल है, मोबाइल में तो आपका TRS तीन पिन वाला लग जाता है, पर जो आपका एक्शन कैमरा है जिसमें आपको अपना ऑडियो रिकॉर्ड करना है, उसमें आपको TRS चाहिए। सो TRS से TRS का ये कन्वर्टर आता है, ये रोड का है, इसमें आप TRS वाला इसमें डालोगे तो आपको ये TRS का आउटपुट मिल जाएगा। सो ये कनेक्टर है जो मैं यूज़ करता हूँ। सो ये हो गई माइक की बात है, जो मेरे पास माइक हैं जो मैंने पहले यूज़ करे। बेसिकली जो मैंने एक चीज़ देखी है कि आप अपना लेपल माइक को कितने अच्छे से हेलमेट में छुपा सकते हो, डायरेक्ट जो उस पर हवा पड़ रही है उसको छुपा सकते हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पर एक अंतर ये आ जाता है कि जैसे ये रोड का माइक है, ये करीबन महंगा माइक है, 4,500 का, जैसे मैंने आपको बताया। इसको मैं ऐसी जगह प्लेस करके इतने वीडियोस बनाए कि जहाँ पे जब मैंने सस्ता वाला लगाया तो वो अच्छी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट हवा ज़्यादा आ रही थी। पर रोड के माइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा वहाँ पे, अभी तक करा, इतने टाइम से करा, मैं उसको यूज़ करता रहता पर उसमें दिक्कत आ गई अब। सो उसको तो मेरे को लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा और छुपाता ना, जैसे अब इन वालों को छुपा रहा हूँ, तो और भी अच्छी आवाज़ हो सकती है उसकी। पर एनीवे हम उसकी बात नहीं करेंगे, वो महंगा वाला है अपना, अगर वो वाला तो अलग बात हो गई। अब आ जाती है कि छुपाना कहाँ पे, वो भी आपको मैं बताता हूँ। सो ये है अपना हेलमेट, तो इसमें मैंने ये पूरा नया लगा दिया यहाँ पे। आपको अगर आप मेरा एक इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो इसका जो यहाँ पे ये स्टिक ऑन जहाँ पे लगा हुआ था, ये निकल गया था, उखड़ गया था, काफ़ी सालों से लगा हुआ था, तो ये मैंने फिर से प्लेस करा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये चीज़, तो यहाँ पे मैंने दो लगाए, जो स्टिक ऑन जिससे स्टिक करते हो आप माउंट्स को, दो लगाएं, ठीक है। सो पहले जो माइक था, मैं आपको अगर बताऊँ जो इसमें, वो मैं यहाँ पे लगाता था, ये यहाँ पे, जैसे ये वाले वो क्लिप वाले होते हैं, इनको मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे करके लगा देता था। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्लिप लगा के ये इसके पीछे चला गया माइक, तो यहाँ से हवा आती थी, पर ये थोड़ा सा इससे छुप जाता था और मेरे को जो रोड वाला है वो अच्छा रिजल्ट दे देता था यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या है कि जब मैंने ये नॉर्मल वाले लगाए, सस्ते वाले, जो लास्ट वाला जो था, वो जब मैंने यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे डायरेक्ट जो हवा आ रही थी, क्योंकि मैं एक तो वाइज़र खोल के भी चलाता हूँ, मैं ये पूरा वाइज़र ना बंद नहीं कर सकता, मेरा थोड़ा सा या पूरा ये वाइज़र खुला हुआ होता है, मेरे को अंदर घुटन होती है, तो जो हवा आती है वो सीधे यहाँ पे आती है। वो बात अलग है कि वर्सेस में विंडशील्ड काफ़ी है, वो काफ़ी प्रोटेक्ट करती है कि हवा डायरेक्टली इस पर ना आए। अगर आपके में प्रॉपर विंडशील्ड नहीं है तो आपके में और भी ज़्यादा हवा आएगी। सो मेरे में अगर थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं माइक, तो आपके में शायद और भी ख़राब दें अगर आपके विंडशील्ड नहीं है। वो विंडशील्ड भी काफ़ी हवा रोक देती है जो डायरेक्टली हेलमेट पर आ रही है। तो उसके लिए क्या है कि आपको माइक को अच्छे से छुपाने की बहुत अच्छी ज़रूरत है, ठीक है। अब वो छुपाने वाला पार्ट कहाँ पे है? अब छुपाने वाला पार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे दिखाऊँ, ये वाला पार्ट, वो ये एंगल कैसे दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ पे, ये इस जगह पे, मतलब जो आपका फ्रंट है ये वाला पार्ट, इसके जस्ट पीछे अंदर, यहाँ पे आप छुपा सकते हो। उस जगह पे छुपाने से क्या है कि एक तो वो कवर्ड हो गया, थोड़ा आइसोलेटेड हो गया, प्लस आपका मुंह भी वहाँ पे रहता है तो वो भी काफ़ी हवा रोक लेता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। सो उस जगह पे बिल्कुल आप समझ लो, आप यहाँ पे, यहाँ पे आपका हेलमेट जा रहा है तो वो आपकी जो ये चिन्ह है ये इसके सामने होता है वो माइक यहाँ पे। सो यहाँ पे वो काफ़ी हद तक हवा से बचा रहता है, इस वजह से अच्छी साउंड दे सकता है। अभी जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें आप लोगों ने खुद कहा था कि काफ़ी अच्छी साउंड रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि मैंने उसको वहाँ पे प्लेस करा था। ऊपर से अगर आपके पास फ्रंट में हेलमेट है और हेलमेट में आगे ऐसे ये वेंटिलेशन वाले ये वो हैं, ये देख रहे हो, यहाँ से हवा जाती है अंदर, तो इसको आप बंद कर सकते हो, खोल सकते हो। सो ये चीज़ मैं बोलूँगा कि जब आप अगर बोल रहे हो जिस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हो, इन चीज़ों को भी बंद कर दो अगर यहाँ पे हैं तो, क्योंकि उससे जब हवा अंदर जाती है तो वो डिस्टॉर्ट करती है। छोटी छोटी चीज़ें, पर इन चीज़ों से फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि एट द एंड क्या है कि आपका जो माइक है, लेपल माइक, उसको हमें हवा से बचाना है, उस पर डायरेक्ट हवा नहीं आनी चाहिए। इसके ऊपर भी एक ब्रह्मास्त्र है मेरे पास, जो मेरे को नई चीज़ मिली थी, जो मैं पहले यूज़ नहीं करता था,
वो भी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी काम की चीज़ें भी दिखाता हूँ आपको, वो है ये छोटी सी एक डेड कैट है, इसको डेड कैट बोलते हैं। और बेसिकली क्या है कि ये आप अपने माइक के ऊपर, जो आपका लेपल माइक है, जैसे ये आपका लेपल माइक है, इसके ऊपर आप इसको चढ़ा सकते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी जो लेपल माइक्स आते हैं उसके ऊपर ये आती हैं छोटी छोटी, ये डेड कैट्स कहते हैं जिनको भी। इससे भी काफ़ी हद तक हवा रुकती है, मतलब जो हवा का डिस्टॉर्शन है, पर ये ज़्यादा अच्छे होते हैं जो इस टाइप के होते हैं जिसमें लंबे लंबे हेयर्स होते हैं, दोज आर लाइक प्रॉपर्स। सो ये भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है। इन सब चीज़ों को आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इन सब चीज़ों को खरीद कहाँ से खरीद सकते हैं और कितने की है। सो एग्जैक्टली मेरे को इस समय इसका प्राइस नहीं पता है, पर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखेंगे अमेज़ॉन के, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। सो ये भी मैंने यूज़ किया था जो मैंने लास्ट वीडियो था, और इससे भी काफ़ी फ़र्क आएगा। थोड़ी तो आपने उसको छुपा ही लिया है, और छुपाने के बाद आपको ये ऊपर से एक और प्रोटेक्टिव लेयर है, सो आप काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सारी हवा आप रोक सकते हो। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इसको कुछ नहीं करना बस। जैसे अगर आपके ऊपर ये है कि जैसे ये है, अगर आपको इसके ऊपर ही यूज़ करना है, अगर ये आपका छोटा है तो आप इसके ऊपर ही इसको चढ़ा सकते हो, अगर नहीं तो आप बस इसको खींचोगे, तो जैसे इस वाले का हुआ है, अगर आप इसको सिर्फ खींचोगे तो ये निकल आएगा ऐसे, ये आपका निकल आया, और फिर इसके ऊपर आप ये वाला चढ़ा सकते हो, तो ये ऐसे हो जाएगा। सो बस यही सब चीज़ें थी जो मेरे को लगा कि आपको बता दूं कि मैं कैसे आप आवाज़ रोक सकते हो, कैसे अपनी अच्छी क्वालिटी ला सकते हो। बाकी एक चीज़, एक टेस्ट बचा हुआ है कि जो मेरा उस दिन मैंने वो सस्ता वाला यूज़ किया था जिसकी आवाज़ बड़ी ख़राब आ गई थी, क्योंकि मैंने उसको ऊपर लगाया था जहाँ आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, उसको मैं आज अंदर वाली जगह पर लगाना चाहता हूँ जो मैंने आइसोलेटेड करके, जो मैंने आपको बताई है, और मैं देखना चाहता हूँ कि कितना अंतर आ जाता है, क्या एक्चुअल में ये जो मेरा सेटअप जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मफलर ये लगाने के बाद और उसको वहाँ पे छुपाने के बाद, वो जो इतना ख़राब रिज़ल्ट दे रहा था, वो क्या बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे पाएगा? अगर उसने मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे दिया, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप उसको वहाँ पे लगाओगे, ठीक है। सो वो टेस्ट करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। सो चलते हैं बाहर और उसको टेस्ट करते हैं। अभी कैसा रिकॉर्ड कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, वो तो घर जाके पता चलेगा। अगर बुरा कर रहा होगा तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कि भैया कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ, और अगर अच्छा रिकॉर्ड हो रहा होगा तो आप ये सब बातें मेरी सुन रहे होंगे। सो एनीवे, अभी वाइज़र पूरा खुला हुआ है और अभी वाइज़र बंद करता हूँ मैं। सो अभी वाइज़र बंद है और आई होप कि आवाज़ में कुछ अंतर आया होगा। अभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ जिससे कि हवा का थोड़ा सा फ्लो ज़्यादा हो। सो अभी हम करीबन 80 की स्पीड पे हैं और आई डोंट नो अभी कैसी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, आई होप अच्छी हो रही होगी। मात्र 200 रुपये का यार, सिर्फ 200 कुछ रुपये का ये माइक है, और इस माइक के साथ जो बेस्ट पार्ट है कि आपको वो भी नहीं ख़रीदना पड़ेगा जो वो कहते हैं ना कन्वर्टर, TRRS to TRS, क्योंकि ये वाला जो माइक है ये TRS माइक है, और इसी वजह से मैंने इसको लिया भी था कि TRS माइक को ही ट्राई किया जाए, क्योंकि अभी तक जो मेरे सारे माइक थे वो TRRS वाले थे। सो बस यही एक छोटा सा टेस्ट करना था इस माइक को लेके, और अभी मैं वाइज़र खोल रहा हूँ। सो अभी मैंने वाइज़र खोल दिया है, क्योंकि एक्चुअल में मैं ज़्यादातर ये वाइज़र खोल के ही चलाता हूँ, और बहुत बार सोचता हूँ जब राइड पे होता हूँ कि जब बात करूँ आपसे तो वाइज़र बंद कर लिया करूँ, पर सच बताऊँ तो होता नहीं है, याद नहीं रहता है, क्योंकि उस टाइम फ्लो में होते हो। अभी तो मेरे को पता है क्योंकि मैं इस माइक का वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से तो पता है वाइज़र को बंद करना खोलना। तो बस यही एक छोटा सा टेस्ट है इस लेपल माइक को लेके, आई होप कि इसका रिज़ल्ट अच्छा हो, इससे कि फिर मैं एक फाइनल कर सकूँ आगे आने वाले राइड्स के लिए। अभी ही लगाऊंगा, थोड़ा सा एक इशू आ रहा है मेरे को, जब मैं माइक अपना अंदर की तरफ लगाता हूँ ना तो वो सही से चिपक नहीं पा रहा है। मैंने उसको टेप वेप से चिपकाने की कोशिश भी करी, पर वो वहाँ से उखड़ जाता है बार बार, और अभी जैसे मैंने पेन रखा है तो वहाँ पे फंसा हुआ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं, पर जैसे ही हेलमेट उतारूँगा ना तो वहाँ से वो निकल जाता है। तो मेरे को एक प्रॉपर एक अच्छी टेप चाहिए जो उस मटेरियल पे प्रॉपरली चिपक सके, तो उसको मैं कुछ देखता हूँ, अगर मेरे को मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। तो बस चलो टेस्ट वेस्ट हो गया, अब चलते हैं घर पे और वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अभी मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अपने फैमिली
फैमिली के साथ और वो गाड़ी से जा रहा हूँ, उसके सारे अपडेट्स आपको इंस्टा पे मिलते रहेंगे अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं। फैल्कन राइडर्स इंडिया नाम का इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे जुड़िए, वहाँ पे मेरी सारी स्टोरीज और सब कुछ आएगा कि मैं वहाँ पे क्या फन कर रहा हूँ, क्या मस्ती कर रहा हूँ। ठीक है, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय।